हम देंगे का भाई झूठ में, झूठ का साथ कौन देगा, सच का साथ तो दुनिया देगी। गई हमने सब सामने देखी है, आपने देखा कि ठीक थी? हाँ ठीक थी, बिल्कुल ठीक ठाक गई है, कोई चोट नहीं थी, कोई मार पिटाई नहीं हुई, नहीं मार पिटाई उनने करी है पहले। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं करावल नगर थाने के ठीक सामने। यहाँ पे एक मामला आया है जिसमें सास ससुर जेठ और उनके कुछ रिश्तेदारों के ऊपर महिलाओं के साथ मारपिटाई का और छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। उनको ऐसा मारा गया है कि उनके काफ़ी चोट लगी है, सर में हाथ में फ्रैक्चर है और भी बहुत उनके साथ गलत करने की कोशिश की गई है। और अब करीब करीब इनको 12 से 14 घंटे हो गए हैं थाने के सामने ही बैठे हैं ये लोग, मगर कोई इनका सुनने वाला नहीं है। लोग इनके सामने आए थे, पुलिस वालों के सामने भी आए थे, मगर पुलिस वालों ने जो जो कहा और जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उनको, आइए बात करते हैं आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है और ये मुझे बहुत तंग करते हैं, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। और ये जो आपके सर में चोट लगी किसने मारा? ये मेरे पति ने और मेरी सास ने मुझे बहुत मारा है। पति और सास ने? क्यों मारा, कारण कुछ? कारण मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बीमार थी। वो कहते खाना क्यों नहीं बनाया और क्यों नहीं सफाई कर रही है, तो मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई हूँ, इतनी देर में आते साथ उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। किस चीज़ से मारा? ये बच्चों की चेयर होती है ना, उससे मारा। और ऊपर से मैं यहाँ थाने में भी आई हूँ, उन्होंने ही मेरी पट्टी करवाई है। उन लोगों ने कोई कारण नहीं बताया आपको मारने का, सिर्फ यही कि आपने खाना नहीं बनाया इस कारण? बहुत बार किया इन्होंने, मुझे बहुत मारा, 10 साल से सर मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्या करते हैं वो? ड्रिंक करते हैं और मेरे माँ बहन के मुझे रोज गाली देते हैं, बहुत ज्यादा। कोई काम नहीं करते, 10 दिन काम करते, 10 दिन बैठते हैं। इनके घर वाले सिर्फ इन्हीं का सपोर्ट करते हैं, मेरी कभी नहीं सुनते। ससुर क्या करते हैं आपके, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में है वो और कैंटीन में काम करते हैं। उनको नहीं पता किसी लेडीज को ऐसे मार नहीं सकते? सर उन्होंने बहुत मारा, मैं क्या बोलूं, बच्चों को भी बहुत मारा, बच्चों के तो, मेरे बेटे के तो पैर में चोट भी लग गई है। बच्चों को ही मारा है? बच्चों को आपके घर से आपके सिस्टर आई थी, उनके साथ भी मारा? उनके साथ तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है सर आप देख सकते हो, इतनी बदतमीजी की है उनके साथ तो। कैसे, क्या? उनके साथ हाथापाई की है, उनको कमरे में बंद करके उनको कुत्तों की तरह मारा है और ऊपर से उनके साथ उनके प्राइवेट पार्ट को भी हाथ लगाया है। ये किसने किया है? ये मेरे जेठ ने और बीटू और योगेश। जेठ का क्या नाम है आपके? उपेंद्र। ससुर का? राधे श्याम। कोई कारण तो होगा इससे पीछे? कोई कारण नहीं है, ये बस मुझे देखने आई थी कि मेरे को मारा है, तो ये मुझे देखने आई थी, इसी वजह से उन्होंने इनको, इनके ऊपर मेरे को बाहर निकाल के इनके साथ बदतमीजी की है। आप इन सब, मैंने पुलिस कॉल की थी, पुलिस आई थी, वो कुछ नहीं करके गई, वो सीधा चली गई, उन्होंने बोला थाने जाओ, थाने जाओ, थाने जाओ बस। जिनका नाम लिया आपने, क्या उनको लेके आए पुलिस थाने? नहीं, उनमें से किसी को नहीं है, सिर्फ मेरा पति यहाँ पे है अंदर, सिर्फ वो बैठे हैं। बस वही बैठे हैं। आपके ससुर, आपके जेठ और मेरा जेठ और वो बीटू और योगेश, वो सारे इन्होंने गायब कर दिए हैं, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कल रात से ही गायब कर रखे हैं। आपको मारा ये फ्रैक्चर क्या उन्हीं के मारने से है? हाँ सर, उन्होंने ना डंडों से मारा है, मैंने तो सिर्फ यही बोला था उनसे कि भाई आप इस तरीके, मैंने तो उनसे कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरे भाई ने मुझे भेजा यहाँ पर कि दी की हालत ऐसी ऐसी है, मारा पीटा है, तो मैं सिर्फ अपनी सिस्टर को देखने के लिए आई थी, तो ये घर में आए ना इन्होंने ताला लगा दिया, ये गाली गलौज करने लग गए। मैंने इनसे बोला आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मगर तुमने जो किया अच्छा किया, मेरी बहन सिस्टर को मारा है, तो कहते हैं कि तुम घर में घुसी कैसे, मगर घुसने का मतलब अपनी बहन को देखे ना, तो इन्होंने सीधा ना मारना स्टार्ट कर दिया, पहले घर में बंद करके मारा है, फिर इसके जेठ ने और इसके ससुर ने और इसके मतलब कि दो रिश्तेदार हो रहे हैं, उन्होंने इन्होंने मिल के ना फिर बाहर बाल पकड़ के ना इन्होंने पूरी गली में डंडों से पीटे, जो मेरे हैंड में फ्रैक्चर है, पूरी बैक पे निशान है मेरे। सिर्फ आप देखने गए थे बहन को, यही कारण है? यही कारण है, कहते यहाँ क्यों आई है, क्या लेने आई है यहाँ पे, कहते तेरी बहन का बदला तेरे से लेंगे।
कहते यहाँ कोई घुसना नहीं चाहिए इस तरीके से। फिर पुलिस को फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम यहाँ पे रात को भी 3-3 घंटे बैठ के गए हैं। इन्होंने कहा मेडिकल करवा के लाओ, मेडिकल करवाने के बाद घर गए हैं। घर पे आने के बाद रात को भी इन्होंने बाहर लड़के बिठा रखे थे, उन्होंने भी फिर बदतमीजी करी है, गलत जगह टच किया है। और फिर जब उन हमारा फ़ोन है, हम वीडियो बनाने लगे तो हमारा फ़ोन छीन के रख लिया इन्होंने। वो दो लड़के थे, योगेश और बीटू, एक गली का लड़का हो रहा है। तो इन्होंने, हमने इनसे बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मेरी सिस्टर की ना डंडों से पिटाई करी है और मेरे को धक्का मारा है। मेरा तो पहले ही फ्रैक्चर था। तो फिर मैंने पुलिस को फिर फ़ोन किया, पुलिस कहते तुम लेने के आती हो यहाँ पर, क्यों आ रहे हो यहाँ पर इनके घर पे। आपके साथ जब ये मारी पिटाई हुई है, उसके बाद आपकी छोटी सिस्टर के साथ भी हुई है? हाँ, उसके बाद मैं मेडिकल करवा के आई हूँ, थाने में आई, फिर मेडिकल करवा के लाई हूँ, फिर दोबारा घर पे वापस आई हूँ। गली में लड़के इन्होंने पहले से बिठा रखे थे, हमने कहा गेट खोल दो, इन्होंने गेट नहीं खोला, मार पिटाई, डंडे लेके बैठे हुए थे। फिर मेरी सिस्टर को इन्होंने मारा, हमने पुलिस को बुलाया, पहले तो बदतमीजी करने लग गए इसके साथ, हमने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो उन्होंने फ़ोन छीन लिया हमारा, फ़ोन छीन के अपने पास रखा हुआ है, और तो तीनों के तीनों गायब हैं। और पुलिस ने एक बार नहीं बोला कि वो बंदे कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए, ये और कहते हैं कि धर्मशाला मेरे को तुम लेने के आते हो यहाँ पे। ये पुलिस ने बोला? या बिल्कुल सर, कोई रिस्पांस नहीं दिया। रात को अगर हो चाहती तो उस टाइम एक्शन उठा सकती थी, वो लड़के करंट में मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कितना टाइम हो गया आपको थाने के सामने बैठे हुए? मैं सर सुबह भी 2 बार आ चुकी हूँ, 2 बार यहाँ पे जा चुकी हूँ, रात को भी 3-4। ये सर कल रात को हुआ है, 8:30 बजे, 8:30-9 बजे यही बैठे रहे हैं, सारी रात हम यही काम करते रहे हैं। या बिल्कुल सर, और उसके बाद से अभी तक कोई सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं है सर। मेडिकल बनवा के कहते एप्लीकेशन दे दो। अरे जब सामने बंदा खड़ा है, तुमने पीटते हुए देख लिया उसको, तो तुम्हारे सामने खड़ा तो उसी पे एक्शन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम, उसे क्यों नहीं ले रहे हो रिमांड पे? मतलब कि तुम्हारे आगे तो कोई भी पिटता रहेगा तो तुम कुछ करोगे नहीं फिर दिल्ली वाले, तो तुम्हारा फायदा क्या हो गया फिर यहाँ पे? पुलिस ने आपको ये बोला आप क्यों आए? हाँ, आप क्यों आए धर्मशाला में रुको जाके? ये रिस्पॉन्स दिया इन्होंने, ये नहीं देखा कि मार पिटाई करी है लेडीज के साथ तो हमें इसके साथ साथ खड़ा रहना चाहिए। किसी ने भी कोई एक्शन नहीं उठाया, सीधा यहाँ हमें 2-3 घंटे बिठा के रखा, मेडिकल के लिए भी नहीं भेजा, हमने खुद फोन किया, 2-3 बार कॉल करी, जो भी आ रहा है सिर्फ ये बोल रहे हैं थाने में जाओ, थाने में बैठ जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, चले जाओ फिर यहाँ से, मेडिकल करवा के लाए, वहाँ लड़के वहाँ बंदे बिठा रखे इन्होंने, सामने बंदे खड़े हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कहता लेने क्या होते हो, अगले बंदे अपने घर में घुसने नहीं देंगे, मतलब कि हमारा परिवार को कोई बंदा मर जाएगा लेकिन हम उसे देखे ना। लोगों ने मारा है उसको, घर में बंद करके उसकी बहनों को मारा है, सर में आप लोगों ने कुर्सी मारी है, इतना सच है? मैंने तो नहीं मारी कुर्सी, सुबह की बात है जी कुर्सी की। तो वो बच्चों को छोड़ने गई थी 8 बजे, आई 9 बजे, और वो यहाँ मेरे पास बैठा था, फिर वो गया ऊपर, उसने बोला कि तू इतनी देर में, हाँ फिर बोला कि तू इतनी देर में कहाँ से आया, कि मैं कुछ करूँ, कहीं बैठूँ कहीं खड़ी हूँ, तेरे को क्या लेना देना, और मैं तो कुछ भी करूँगी, तेरा मन कर रहा है तू कर ले। तो कराया अपने माँ से बुराई मेरी, बने जी कही कि मैंने कहा बुराई करी है तेने, कहा सुनी मुझे बता दे आपसे ही, मैंने में झगड़ा हो गया। मैं गई, मैंने पूछा उसको बहू को, मैंने क्या बात है तू क्या चाहती है जी बता दे, काहे को रोज कलेश कर रही। और फिर इसने ही मारी वो केतली उठा के उसके और लड़का के, हाँ केतली मारा, और फिर कुर्सी मारी, फिर कुर्सी मारी, हाँ हाँ, फिर वो चली गई छोड़ के, हाँ कैसे फूटा? पता नहीं, यहाँ से सही गई मुझे नहीं पता फिर कैसे फूटा। और जे बैठी है, आप ससुर हैं? मैं हाँ। आपका नाम आ रहा है कि आपने 3-4 लड़के बुला के उसको लड़की को बांध कमरों बंद करके मारा। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, 100 नंबर पर कॉल नहीं करने, मैं हूँ यहाँ, 10 गुंडे आए मुझे दबा लिया, मेरी माँ नहीं होती तो मुझे मार देते वो जान से। 100 नंबर कॉल आपने? मैंने की है। आपने की? जी सर। और कोई नहीं आया, यहाँ आए 12-14 गुंडे दाढ़ी वाले लंबे चौड़े, गाड़ी ले गए पानी पसे, उन्होंने सर क्या करा है कि मेरी मम्मी ने गेट खोला, मुझे आवाज़ दी है, मेरी मम्मी ने गोड़ में सो रहा था, 1:30 बजे आया हूँ वहाँ से थाने से, सो गया मैं, मम्मी ने गेट मेरे आगे, यहाँ मैंने उठाओ मम्मी क्यों गेट खोल रही हूँ आप, इन्होंने मेरा मुँह पकड़ लिया, तो ये तो अच्छा हुआ मम्मी ने धक्का दे दिया उनको। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, गली वाले लोग उठ गए शोर मचाया, सोई किसने मारा किसने नहीं मारा मुझे नहीं कुछ मालूम। मगर वो कह रहे हैं आप हैं, पीटू हैं और उनके हस्बैंड हैं, वो कौन कह रहा है, वो लोग आए तोड़ा है
वो लोग आए, जो गुंडे आए वो आए, बुलाए आए नहीं आए, ये रात आए थे मेरे पास। 100 नंबर को कॉल किया सर मैंने, 100 नंबर वाले प्रेजेंट यहाँ पास करके मेरी मम्मी से मुझे सबसे बात करके तब गए यहाँ से, ठीक है सर। और उसके बाद उन्होंने वो वेरीफाई थर्मली कर दिया है कि आप चिंता मत करिए अंकल, ये ऐसा होता है, ये लोग करते हैं ऐसा। पर मैं अपन घर आके सो गया हूँ। आपको भी मारा उन्होंने? मुझे ये मुँह पकड़ लिया था मेरा, यहाँ पर मैं झूठ, पीठ नहीं दिखाई आपको सर, देखो देखो ना मेरी पीठ, ये देखिए इनके भी चोट लगी है, ये देखिए। ये देखिए, ठीक है सर। और ये तो हुआ क्या है, वो कह रहे हैं आपने मारा बंद कर, अरे सर एक तीनों लड़कियों के कैम में चोट लगी है, और वो आप कह रहे हैं उन्होंने मारा। मैं ऑफिस में, मैं अब मैं पूरी 6:30 बजे हाजिरी लगती है कंप्यूटर पे मेरी ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और 3:10 में मेरी हाजिरी वापस है, मैं 5 बजे थाने पहुँच गया हूँ, थाने 6 चक्कर लगाए फिर घर आ गया हूँ, घर आने के बाद फिर गया हूँ, ठीक है। जब मैं थाने से आ रहा हूँ, दीपक हवलदार से बात करके उसने कहा तुम घर जाओ, इसकी चालान होगा, तो यह दंगा हो रहा है। दंगा होने के बाद जो हुआ मुझे कुछ पता नहीं, दर्द हो गया दंगा जो होना था। उसके बाद फिर रात के सुप्रूप थाने मुझे ले गए दोबारा, सुन रहे मेरी बात को, दोबारा थाने ले गए तो मुझे 1:30 बजे छोड़ा है, 2 बजे ये गुंडे आए गाड़ी ले गए, मेरी मम्मी ने गेट खोला है, उन्होंने मेरे पर बात करी है, मेरा मुँह पकड़ा, मैं तो मुँह पीछे हट गया था, मम्मी ने मेरे हाथ लगा लिया, क्यों कर रहे हो, गेट खोल दिया मम्मी ने। उसके बाद क्या हुआ है कि ये मेरे उन्होंने घूसा मारा पीछे, तब से गली वाले यहाँ सब जगह हुए थे, तो ड्रामा हो ही रहता साहब यहाँ घरेलू, तो उसमें ये कहानी हुई है, गली वालों ने किसने क्या कहा क्या नहीं करा हमें नहीं पता। अम्मा जी किसने मारा, आप थे ना उस समय? किसने मारा बहू को? किसी ने मारा, आपस में लड़ाई भाई है, आपस में लड़ाई भाई है, फिर आके ये नहीं पे चिपट गई है। बहू के सर में चोट है, वो कह रही कुर्सी से मारा मुझे, दरवाजे बंद करके हम मेरी बहनों को भी मारा है। कब ना दरवाजे बंद करो लड़ा, ऐसा वो कुर्सी मारी नाती के, और फिर नाती नहीं हो कर दई तम भले लग गई हो, और जी लोटा दो फेंक के पानी को, सो ये दौ तो जाओ लगो जाओ, फिर कुर्सी दई तो बनो हाथ कर लो कुर्सी को, तो लौट के बाने लग गई हुई। हुई है मेरे साथ भी हुई है, ये हुआ था कि इनकी वो दो बेटी है ना जो छोटी छोटी वाली, वो आई है नीचे मेरी मौसी के, उनने ऐसे करके यूं नफाया है उन्होंने, फिर मैं यहाँ थी, मेरे बाल पकड़ के खींचा, फिर मैंने भी बाल पकड़ लिए, मेरे साथ ये हुआ है। कमरों में बंद करके नहीं मारा, ये सारा सर झूठ है, ये बात झूठ है, कमरों में बंद करके कहीं नहीं मारा उन्होंने। और बहू का क्या रवैया है, बहू का घर में बनती नहीं है? वो तो न्यारी रहती हैं, शुरू से ही ऊपर रहती हैं हस्बैंड के साथ, अपने के साथ अलग रहती हैं शुरू से ही, वो तो कहते हैं कि अक्सर उनके साथ मारपीट करते हैं, सरासर झूठ है, हम तो करते नहीं है। अब पता नहीं कैसे लगी, अब घर से तो वही बात है कि भाई के केतली मारी है सुबह, इतनी सी बात के पीछे पानी की भरी हुई, सारा भीग गया वो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कहा गया था कुर्सी उठा के यूं मारी है उसके भाई के, और फिर वो दोनों जन आप निकल गए हैं यहाँ से, थाने के लिए गई हैं, पता नहीं कहाँ गई, अब रास्ते में कुछ भी किया हो हमें नहीं पता, इतना हम तो घर पर ही है, घर में चोट नहीं लगी है, हमें क्या पता, अब घर के बहन के हाथ को, हाथ नहीं तोड़ेगा कोई, मुझे हमें भी पता है, लेकिन यहाँ पे दंगा हो रहा है, जब इनकी छुट्टियाँ पकड़ी है तो हमारे, अब हमारे भी लगे, इनके भी लगे है ना, जो हम इनकी धींगरी धींगरी लड़के इनको मार ले, हमें इतनी ताकत ना है। हाँ। तो हुआ होगा ना, सर में चोट लगी है, हाथ टूटा है, कैसे लगा है? चोट शाम को थोड़े ना लगी, सर में चोट तो सुबह ने हुआ था उनमें मियाँ बीबी में, जब लगी होगी। और उनकी जो बहनें कह रही हैं कि उनको आपके हस्बैंड ने, आपके बेटों ने, आपके रिश्तेदारों ने मारा है, कमरों बंद, हमारे यहाँ रिश्तेदार धरे, हमारे कोई रिश्तेदार ना ही ना ना मारा, हाँ हाँ बिल किन्ने, मैंने नहीं तोड़ा हाथ। हाँ आइए इसका देखिए, अब जो भी हुआ है हम बात करते हैं कि आखिर गली में कि हुआ क्या था कैसे था, आइए बात करते हैं। इस मामले में दोनों तरीके से आरोप लग रहे हैं, दोनों ही लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, सामने वाले ने
हमारे साथ गलत क्या है। अब हम पड़ोसियों से बात करते हैं, वो बताएंगे क्या लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी, ये राजीबाजी से घर में आई है, सुबह से लड़के को रोटी पानी नहीं दी इनने, तो लड़के को ये थाने में बंद कराया ही बहू, फिर भी कोई बात नहीं हुई है। फिर इसकी दो बहनें आई, भाभी को मारा पीटा है, तब सारी गली की औरतें चिल्लाई हैं, तब ये छोड़ के बगे। कह रहे हैं कि उनकी बहनों को घर में बंद करके उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई है, डंडों से मारा गया। कोई भैया गली में था ही नहीं, आदमी तो कोई था ही नहीं, ये तो थाने में गए हुए थे लड़के के चक्कर में, थाने में गए हुए थे, तो ये तो फिर थाने से बुलाए गए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। अपने हाथ पर कोई कैसे तोड़ देगा भाई साहब, उनने अपने आप उनके बचाए में टूटे हो, कुछ भी हुआ हो, ये मैं नहीं कह सकती। बोला है गली में डंडों से मारा यहाँ पे, वो झूठ बोल रही है सरेआम, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अगर पुलिस आपसे बात करती है, गवाही लेते तो आप दोगे? हम देंगे गवाही, झूठ में झूठ का साथ कौन देगा, सच का साथ तो दुनिया देगी। यानी गली में ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, रात को 2:30 बजे तो गुंडे आए हैं यहाँ पे 10-12 लोग, सिर फोड़ के थाने चली गई थाने में, और क्या, और क्या, सिर फोड़ के थाने में चली गई, वहाँ जाकर यहाँ तो अच्छी अच्छी भली गई है, हमने सब सबने देखी है, आपने देखा कि ठीक थी? हाँ ठीक थी, बिल्कुल ठीक ठाक गई है, कोई चोट नहीं थी, ना 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 ना। जब थाने से आई है तब पट्टी बंधी हुई? हाँ, तब पट्टी बंधवा के आई है। उससे पहले यहाँ कोई मार पिटाई? कोई मार पिटाई नहीं हुई, नहीं मार पिटाई उनने करी है पहले, घर में हुआ। हाँ, मगर उनका कहना है कि गली में मारा गया है। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, कमरे में बंद करके गलत काम करने की कोशिश भी की गई, वो झूठ बोल रही है सरेआम। ऐसा नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, घर में ही हुआ है भैया, घर में लड़ाई हुई है। हाँ, बाहर गली में कुछ नहीं हुआ? हाँ हाँ, नहीं बाहर कहीं कोई डंडे से मारा गया? नहीं नहीं, इनकी तरफ से जैसे भाई साहब को आरोप लग रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब गली की कोई ऐसी बात? हाँ, गली की कोई ऐसी कोई बात नहीं, घर में लड़ाई हुई है? हाँ, चोट इनके लगी? हाँ, घर में हुई है, घर में हुई है। हाँ हाँ, घर में हुआ होगा, हमें पता नहीं भैया, गली में डंडे वंडों से नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपको पता है बहन जी कुछ? हाँ जी, यही पता है, क्या कहते हैं, लड़ाई तो घर में हुई है। बहू का कहना ये है कि पति उसको सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट करता है, इतना सपोर्ट करता है, सारा कुछ तो बहू के कब्जे में, अभी अब का सपोर्ट करेगा? अभी तो छह घर में मायके में रहती थी, 7 साल में आई है, 7 साल में अब आई है। हाँ, वही रहती है, लड़का भी वही रहता है, साथ ही रहता है, इसके वही रहते हैं, अब आए, इससे पूछो, इसके दोनों बच्चे वहीं पे हुए हैं मायके में, और आते इसने फिर लड़ाई दंगा चालू कर दिया, पहले भी ये लड़ाई करके गई थी, मतलब 7 साल बाद ये यहाँ आए। हाँ, और हस्बैंड वाइफ दोनों वहीं रहते हैं? वहीं रहते, नहीं कभी कभी अपने, कभी कभी लड़का आ जाता है अपने मम्मी पापा मतलब मिलने मिलने। हाँ, वो बहू नहीं आती, बहू नहीं आती, लड़का ही आता, बहू कभी नहीं आई, 7 साल वहीं रही। हाँ, और ये लड़ाई जो हुई है इसमें डंडे से मारना पीटना कोई बात नहीं, गली में नहीं हुई? नहीं, अब आप खुद देखिए, बहू का कहना है कि मुझे यहाँ मारा पीटा गया, मेरी बहनों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, डंडों से मारा गया, कमरों में बंद कर दिया गया है, और जब तक हमारे को बुरा हाल हमारा नहीं कर देगा तब तक हमारे को छोड़ा नहीं गया है। हमने पुलिस बुलाई है, हमने ससुर से बात की उनके, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कॉल मैंने की है, उन्होंने हमसे बात की, जिनको वो कह रहे हैं कि फरार हैं, वो फरार नहीं है, वो हमारे सामने है। हमने गली में बात की, जैसा वो बता रहे हैं लड़की पक्ष, कि यहाँ पर डंडों से मारा गया है, इस पूरी गली ने तमाशा देखा है। हमने जब गली वालों से बात की तो गली वाले ने कहा, साफ साफ कहा कि ऐसा गली में कहीं कुछ नहीं हुआ, लड़की पिछले कई सालों से अपने घर पर रहती थी, हस्बैंड भी इनके साथ वहीं रहते थे, ये अभी कुछ टाइम पहले यहाँ आए हैं, और आने के बाद जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो वो घर में हुआ है, और जो भी हुआ है वो घर के अंदर हुआ। हाँ, एक बात जो बार बार पड़ोसी कह रही हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, गली में कोई मार पिटाई नहीं हुई, कोई डंडे से इनके ऊपर अटैक नहीं किया गया, कोई इनके सर में चोट यहाँ नहीं लगी है, कोई इनके साथ हाथापाई यहाँ नहीं की गई है। अब कौन कितना सच्चा है ये तो पुलिस आगे जांच करके बताएगी, मगर ये तो है कि इसको केस को बहुत घुमाया जा रहा है, और हो सकता है जो आरोप लगाए जा रहे हों वो सच्चे भी ना निकले, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो लोग हमारे सामने खड़े हैं, वो कैमरे में बात कर रहे हैं, अगर वो गलत होते तो कहीं ना कहीं उनको भी पुलिस अरेस्ट करती, पकड़ती, कार्रवाई करती। पड़ोसी का जो कहना है वो भी आपने सुना, अब आप सोचिए कि कौन सही है और कौन गलत है। एनभार टीवी, करावल नगर, दिल्ली।